पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा वर्ष 2022 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 52 पुलिस अधिकारी जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को अच्छा काम करने के लिए किया गया प्रोत्साहित। धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा आमंत्रण हेरिटेज भवन में वर्ष 2022 में जिले के पुलिस अधिकारी से लेकर जिले के अलग अलग थाना चौकी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी जवानों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर अनुशासित होकर दिए गए दायित्वों को बेहतर ढंग से निर्वहन किया गया, जिसके फलस्वरूप पुलिस कप्तान के द्वारा उन सभी अधिकारी कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु आमंत्रण हेरिटेज में दिनांक 5/1/2022 को सम्मान समारोह का आयोजन कर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करते हुए कहा गया कि आज जिनका सम्मान किया जा रहा है और बेहतर कार्य करने का भी प्रयास करें, जिससे पुलिस और आमजनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेगा टेम्बुरकर साहू और पुलिस अधीक्षक सारिका वैद, भावेश साव, नेहा राव पवार, रागनी मिश्रा, शेर सिंह वंदे, रक्षित निरीक्षक के देवराजू, निरीश सत्यकला, रामटेके गगन वाजपेयी, शरद ताम्रकार, सूबेदार रेवती वर्मा, उन्हीं नरेश बंजारे, स्टेनो अखिलेश शुक्ला, मुख्य लिपिक सनत वर्मा, शौमित रामावतार राजपूत, दिनेश चंदेल सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी, जिसमें थाना क्षेत्र एवं कार्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज पुलिस और प्रेस के भाइयों के साथ आज एक नववर्ष का मिलन समारोह उन्होंने रखा था सब लोगों ने मिलकर। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से पूरे प्रेस के हमारे भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं, उनके परिवार को देता हूं, और उन्होंने जो सहयोग हमारे साथ पिछले सालों में भी किया है उनके लिए मैं हृदय से उनको सबको धन्यवाद दे देता हूं, और आगे भी हम साथ में मिलकर अच्छे से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद।